फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू कितना था x, then so that sin थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें शायद आपको हम सारा फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, पहले भी लिखवा दिए हैं सारा फॉर्मूला। अब तो करना क्या है कि x का मान आपको दिया है कितना tan थीटा प्लस, इस x के मान को यहाँ पुट करोगे, यही ना है। तो इसको मान को पहले पुट करने से पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा अब प्लस 1 बाई cos थीटा। हमने साइन में लिया है, किसमें लिया है, साइन cos में लिया है। इसका एलसीएम कितना जाएगा cos थीटा, आगे क्या जाएगा 1 प्लस sin थीटा आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, इस sin थीटा प्लस 1 आएगा तो हमने 1 प्लस sin थीटा लिख दिया, अरेंज कर दी, कोई दिक्कत। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं और इसको वैल्यू को पुट करके आपको लाना है साइन थीटा। क्या लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके क्या दिखाना होगा हमको। तो हम लोग लेते हैं RHS, क्या लेते हैं RHS, ये RHS और ये LHS। तो हम लोग RHS को लेकर आगे बढ़ते हैं, RHS, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, put in the value of x, put in the value of x, x का ही मान है। तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अबाई cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अबाई 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ना है, कोई दिक्कत किसी को। आप क्या करना, आप तो बस इसको बस सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इसको हम ले सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बाई कॉस को कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाई, इसको ले सकते हैं वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, हमको लाना है x, हमको लाना है क्या है साइन, क्या लाना है साइन। इसका मतलब ये हो गया कि इतने बड़े बड़े टर्म है वो कहेंगे एलिमिनेट हो गए, क्या होंगे एलिमिनेट, क्या हो जाएंगे। कि कॉस को साइन को, क्या साइन को कॉस को ला सकते हैं, साइन के टर्म में ला सकते हैं। हमको आपको मैंने फॉर्मूला दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, क्या लिखवाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखवाए हैं, लिखवाए सबको बोलो लिखवाए। अच्छा ये हो गया, इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको इस फॉर्मूला कहाँ से आए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था 1। इसका कॉस निकालना तो इसको उठाकर इधर ले गए। अब है ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 का कोई स्क्वायर ले सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी इन होगा, कैसे ले सकते हैं, चलो वही। अब है इसका पावर 2, इसका मतलब कि 2 बार लिखाएगा, कितने बार लिखाएगा 2 बार। तो 2 बार बाद लिखेंगे पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, चलो लिख देते 2 बार, और 1 प्लस साइन थीटा होगा और माइनस 1 अब बाई, इसको तोड़ के सकें 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा होगा। अब बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस 1, बीच क्या है अब बाई, इसको तोड़ के लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो बार लिखते हैं, और 1 प्लस साइन थीटा अब बाई, इसको तोड़ेंगे यही बात लिखेंगे अभी। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अब बीच में प्लस 1। अभी तो कुछ खास नहीं किए, क्या ये और ये कट जाएगा, क्या ये और ये कटेगा हाँ बच क्या गया 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस क्या है साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1। अगर इसका एलसीएम लेंगे ना 1 डाल के क्या लेंगे अब एलसीएम लेंगे। ऐसे जब भी कब लेते हैं जब माइनस प्लस हो क्या हो तो ऐसे लेते हैं। ये क्या किसमें है फ्रैक्शन में। इसका एलसीएम कितना जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ आप कितना जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा माइनस इसका तो इतना ही आएगा ये जाएगा ऊपर कितना होगा अब बाई इसे वही करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन चेंज नहीं होगा प्लस ही ना है तो ये जो यहाँ पूरा टर्म इतना ना है पूरा इतना 1 से गुना होगा तो यही ना जाएगा क्या ये से कट जाएगा जिसे कट जाएगा इसी कट जाएगा। हाँ अब तो क्या बच गया साइन 2 साइन थीटा नीचे क्या बच गया 1 प्लस 1 कितना 2 क्या आ गया साइन थीटा।